हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर में बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे कुछ रीज़न था और आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और आज की जो वीडियो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। और आप लोग कहीं भी अगर सफ़र कर रहे होंगे या फिर फिल्मों में या फिर कहीं ऐसे पहाड़ों एरियों में, पहाड़ों पे जो है आप लोग एक देखते होंगे कुछ फ़ैन के जैसा चलता रहता है, बहुत धीरे धीरे फ़ैन के जैसा चलता रहता है। तो आखिर कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है कि आखिर ये जो पिलर लगा है और इसमें 3 ब्लेड लगे हैं, ये चल रहा है तो इसका इतना ज़्यादा जो है आखिर यहाँ पे इसका क्या काम है, इससे क्या होता है, क्यों ये फालतू में चलता रहता है, ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये विंड टरबाइन जो है इससे बिजली बनती है। आप लोग कहेंगे अरे बिजली कैसे बनेगी, ये तो इतना स्लो चल रहा है, तो इतना धीरे चल रहा है, हवा जो है बहुत धीरे धीरे चल रही है इसकी फ़ैन, तो ये बिजली कैसे बनाएगी। बहुत सारे दिमाग में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चंस निकल के आते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर ही कर दूं कि ये विंड टरबाइन है फ्रेंड्स, विंड टरबाइन से बिजली कैसे बनती है आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले फ्रेंड्स, इंजीनियर एस के 0.1 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लगेगा, बगल में बेल आइकन घंटी को ओपन करके रखिए ताकि यहाँ इंटरव्यू से रिलेटेड, टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक टॉपिक यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। CNC प्रोग्रामिंग आप लोग यहाँ पे फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूँ कि ये आप लोगों को जो दिखाया गया है, ये इसका नाम है विंड टरबाइन, जिसमें एक पिलर लगा होता है और उसमें 3 ब्लेड आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और ब्लेड का जो आकार होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ पतला होता है, फिर बीच में कुछ अलग, मतलब थोड़ा सा शेप उसका अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विंड टरबाइन जो होता है फ्रेंड्स, वो काम करता है किस पे, हवा पे, ठीक है। हवा से ही वो फ्रेंड्स चलती है विंड टरबाइन और उसका ब्लेड। और वो अगर एक चक्कर लगाएगी फ्रेंड्स ना, ब्लेड अगर एक चक्कर लगा देना, तो उसके बीच में ऐसा गियर मैकेनिज्म लगा होता है जो कम से कम 50 चक्कर घूम जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े बड़े पिलर होते हैं, इसका ब्लेड भी बहुत लंबी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस पिलर के अंदर, यानी यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिएगा ये जो पिलर है ना, इस पिलर के अंदर सारे मैकेनिक छिपे होते हैं। और ये अपना जो है, जो ये ब्लेड है, ये हवाओं के अनुसार ये रोटेट होती रहती है इधर उधर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को रीड करके बताता हूँ, आप लोग लाइक कर दीजिए फ्रेंड, तुरंत लाइक कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पे देखिए, पवन टरबाइन, यानी पवन मतलब हवा, टरबाइन मतलब ब्लेड होता है। यह पवन टरबाइन जनरेटर या पवन टरबाइन या जनरेटर, ठीक है, एक उपकरण है। यानी फ्रेंड्स, कहा जाते हैं पवन जनरेटर या पवन टरबाइन एक जनरेटर, एक उपकरण, एक यंत्र है जो हवा की गति, ऊर्जा, एक प्राकृतिक और नवीनकरणीय, ठीक है, स्रोत को बिजली में परिवर्तन करता है। यानी एक प्राकृतिक नवीकरणीय स्रोत जो बिजली में परिवर्तन करता है, ठीक है। जबकि एक वेंटिलेटर या पंखा हवा बनाने के लिए बिजली का उपयोग करता है। एक पवन टरबाइन इसके विपरीत काम करता है, यह बिजली बनाने के लिए हवा का उपयोग करता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है बिजली यहाँ से तब पैदा होती है जब इसके ब्लेड को आप लोग किसी तरह से रोटेट कर दोगे या फिर उसको घुमा दोगे। तो ये जो रोटेट करने का काम करता है, ये अपना वायुमंडल में जो भी प्रेशराइज्ड हवाएं हैं, जो भी आप लोगों को हवाएं चलती हुई दिखती है, इसी से जो है इसका ब्लेड चलता है। और ब्लेड चलता है जब, तो इसके अंदर का मैकेनिज्म रोटेट करता है, जिससे आप लोगों को जो है बिजली मिलती है। और मैं बता दूँ कि
सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन होता है वो कोयले से होता है, ठीक है। और यहाँ से भी बड़े बड़े पहाड़ों पे जो लगे होते हैं वहाँ पे देने के लिए ये बिजली यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो मैं अंदर का कुछ मैकेनिज्म आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए अंदर का मैकेनिज्म है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये अंदर का मैकेनिज्म है। ये अपना ब्लेड लगा होता है, ठीक है। ये ब्लेड जब घूमता है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ लेके चलता हूँ आप लोगों, यहाँ पे देखिएगा लगा होता है क्या, यहाँ पे देखिएगा लगा है ये। और इसमें इसके पिलर के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए गियर मैकेनिज्म सारे कुछ इसमें लगाए गए हैं। गियर का जो गियर का मतलब होता है कि गति को बढ़ाना, यानी ब्लेड अगर एक चक्कर लगा रहा है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो गियर लगे हों, बड़े छोटे गियर लगे हैं, ब्लेड अगर एक चक्कर लगाता है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे मैकेनिज्म गियर लगे हैं ना जो कम से कम 20 चक्कर लगाएंगे, कम से कम 25 चक्कर लगाएंगे, इतना ज़्यादा रेशियो का डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। से आप लोग सोच लीजिए कि ब्लेड कितना बड़ा होता है अगर एक बार घूमेगा। आप लोग साइकिल कभी देखो, साइकिल आप चलाए भी होंगे और चलाते भी होंगे, साइकिल जो होती है फ्रेंड्स, वो साइकिल का जब हम अपने पाँव से एक बार घुमाते हैं तो हमारी व्हील, देखिए वहाँ पे गियर लगा होता है, जो व्हील्स होते हैं पीछे का, बैक साइड का, वहाँ पे देखिए कितनी छोटा सा गियर लगा होता है, और आगे का जहाँ हम लोग घुमाते हैं वो कितना बड़ा गियर लगा होता है। तो जब ये मान के चले कि अपना एक चक्कर लगाता है तो इसके बी इस सॉरी फ्रेंड्स, इसके इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो कितने चक्कर लगाता होगा, रेशियो वहाँ पे है, अगर ये एक चक्कर लगाता है तो ये 10 चक्कर लगा देगा, अगर गियर के अनुसार अगर हम देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस वाले फिगर पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये फिगर देख लीजिएगा, इस फिगर पे देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये इसका क्या है, ब्लेड है, ये इसका ब्लेड है और रोटेड हब है ये, ठीक है, ये रोटेड हब है यहाँ पे। और उसके बाद शाफ्ट ये लगी है लो स्पीड शाफ्ट, ठीक है। और उसके बीच में लगा अपना क्या है, गियर मैकेनिज्म, और इसी गियर मैकेनिज्म से हम लोगों को स्पीड कम या ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे गियर स्पीड देखिए हाई हो गया, हाई शाफ्ट यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से मिलता है जनरेटर, ठीक है, इंटरटिया, ठीक है, और ये पिलर है, टावर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह से विद्युत उत्पन्न होता है फ्रेंड, और ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। मैकेनिक जो ब्लेड चलता है, ब्लेड के बाद फिर वहाँ पे गियर रेशियो गियर होता है, गियर बहुत तेज़ी से घुमाता है, फिर वो पावर ट्रांसमिट होता है, फिर वहाँ से जो है वो जाता है उसको, जनरेटर को घुमाता है तो वहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग घरों में देखे होंगे जो विद्युत उत्पन्न करने वाला डायनमो जिसको बोलते हैं, सॉ ठीक है, डायनमो, डायनमो लगा होता है। डायनमो क्या करता है कि जो है विद्युत उत्पन्न करता है अगर देखा जाए तो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, जैसे ये ब्लेड घूमेगा वो फिर अपना वहाँ जाएगा गियर पे जाएगा, गियर अपना काम करेगा, लो तेज जो भी करेगा वहाँ पहुँचेगी, फिर वो उसका जो है लिंक होता है अपना डायनमो से, डायनमो घूमेगा तो डायनमो आप लोगों को पता है जैसे ही वो रोटेट करेगा वहाँ से विद्युत उत्पन्न होगा, और जैसे ही विद्युत उत्पन्न होगा तो उसे अलग अलग चीज़ों में सप्लाई करके वोल्टेज के माध्यम से घरों तक पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से ये पूरा फुल काम करता है। तो ऐसे ही इससे विंड टरबाइन से बनती है बिजली बनती है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अब आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये बिजली उत्पन्न करती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो, और ये पूछ भी लिया जाता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग किए हो, इंजीनियर्स हो, जाते हो तो विंड टरबाइन का क्या काम होता है, वो किस तरह से काम करती है, ठीक है।
तो इस तरह से अलग अलग जो है आप लोगों को क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।